नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़। देश के पहले पॉजिटिव और मानवता भलाई के समाचारों के बुलेटिन मानवता का बिगुल में आपका स्वागत है। पेश है आज के हेडलाइंस। करनाल में किडनी ट्रांसप्लांट का खर्च उठा, निभाया मानवता का फर्ज। यमुनानगर में पूजनीय माता नसीह कौर जी इंसान के जन्मदिन की खुशी में जरूरतमंदों को बांटा राशन। पंजाब के शेरपुर में लंपी स्किन से बचाव के लिए डेरा सच्चा सौदा के सेवादार आए आगे। चंडीगढ़ में जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदान का सिलसिला निरंतर जारी, डेरा प्रेमियों ने किया 4 यूनिट रक्तदान। ब्लॉक सहरसा बिहार की सात संगत ने तिरंगे को किया सैल्यूट। संगरिया राजस्थान में डेरा श्रद्धालुओं ने 2 दिन में बुजुर्ग को रहने के लिए बनाकर दिया कमरा। सुनाम पंजाब की सात संगत ने सरसा दरबार में की सेवा। बराड़ा की सात संगत ने जरूरतमंदों को बांटा राशन। करनाल सदर बाजार निवासी नीरज इंसान, जिनकी किडनी खराब होने के कारण डॉक्टरों द्वारा किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में कहा गया था, जिसका इलाज दिल्ली के हॉस्पिटल में जारी था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण ट्रांसप्लांट का खर्चा उठा पाना परिवार के लिए मुश्किल था। मदद के लिए परिवार द्वारा डेरा सच्चा सौदा के जिम्मेवारों से संपर्क किया गया। जिम्मेवारों द्वारा सत्संग से आह्वान पर इटली निवासी नरेंद्र इंसान द्वारा ट्रांसप्लांट में होने वाले खर्च के लिए परिवार को 1 लाख रुपये का योगदान दिया गया, जिसे करनाल व उमरी ब्लॉक के जिम्मेदारों द्वारा परिवार को सौंपा गया। सदर बाजार निवासी नीरज की पत्नी रेखा इंसान द्वारा अपने पति को किडनी डोनेट की गई। रेखा इंसान ने बताया कि पूज्य गुरुजी की पावन प्रेरणा से जीते जी गुर्दा दान के लिए सेवादार हमेशा तत्पर रहते हैं। यहां अपने पति को किडनी डोनेट कर लोगों को एक अलग शिक्षा रेखा इंसान द्वारा दी गई। वहीं सेवादारों द्वारा दी गई सहायता राशि पाकर परिवार द्वारा पूज्य गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद किया गया। सेवादारों ने भी दोनों के स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर ब्लॉक करनाल व उमरी के सेवादार उपस्थित रहे। यमुनानगर के ब्लॉक तलाकोर नामचर्चा घर में सत्संग द्वारा पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पूजनीय माता नसीब कौर जी इंसा के पावन जन्म दिवस की खुशी में 11 अति जरूरतमंद परिवारों को 1 महीने का राशन देकर उनकी मदद की गई। इस मौके पर जिम्मेदार प्रेमी रामनाथ इंसा ने कहा कि मंगलवार को पूजनीय माता नसीब कौर जी इंसा का जन्मदिन समस्त साध संगत द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं इस अवसर पर 11 जरूरतमंद परिवारों को 1 महीने का राशन देकर उनकी मदद की गई। उन्होंने कहा कि हमारी प्रभु के चरणों में यही अरदास है कि पूजनीय माता जी को हमेशा तंदुरुस्ती बख्शें और खुशियों से नवाजें। इस मौके पर रामनाथ इंसान, ब्लॉक भंगीदास राजकुमार इंसान, संजीव इंसान, गुरचरण इंसान, जगपाल इंसान, जसमीर इंसान, जयपाल इंसान, गुरमेल इंसान, अमन इंसान, सीता इंसान, बाला इंसान, सुनीता इंसान, संतोष इंसान व अन्य सेवादार मौजूद रहे। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए ब्लॉक शेरपुर के शाह सतनाम जी ग्रीनेस्ट वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों द्वारा पशुओं में तेजी से फैल रही लंपी स्किन की बीमारी से बचाव के लिए कस्बे में 3 गौशालाओं और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे पशुओं पर डॉक्टरी विधि के अनुसार स्प्रे यानी सैनिटाइज किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार जगदेव सोहना डॉक्टर सुखदेव सिंह सोनी ने बताया कि पशुओं में लगातार लंपी स्किन की बीमारी फैल रही है और पशु तड़प तड़प कर मर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों द्वारा कस्बे के अधीन आती 3 गौशालाओं और अन्य सार्वजनिक जगहों पर घूम रहे पशुओं पर डॉक्टरी विधि के अनुसार स्प्रे किया गया, ताकि पशुओं को इस बीमारी से निजात मिल सके। गौशाला के प्रबंधकों द्वारा सेवादारों के इस कार्य की प्रशंसा की गई। बता दें कि इस बीमारी के कारण कस्बे में लगातार गायों की मौत हो रही है। इस मौके पर सेवादार सुखविंदर सिंह गुमटी, दर्शन सिंह चांगली, शिंगारा सिंह, मनप्रीत सिंह, भिंदर सिंह, शेर सिंह, जगदीप, नछत्तर सिंह, जगदीश, धीर सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे। ब्लॉक चंडीगढ़ के शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों की ओर से जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदान करने का महान कार्य लगातार जारी है। इसी कड़ी में डेरा सच्चा सौदा की शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग ब्लॉक चंडीगढ़ के सेवादारों की ओर से 4 यूनिट रक्तदान किया गया। इस मौके GMSH सेक्टर 32 अस्पताल के ब्लड बैंक के डॉक्टरों ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों द्वारा जो यह मुहिम चलाई हुई है वह काबिले तारीफ है। इस मौके पर सेवादार हैप्पी इंसान, सौरभ इंसान, दीपक इंसान ने ब्लड डोनेट किया। पूज्य गुरुजी की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए ब्लॉक सहरसा बिहार की सात संगत ने तिरंगा स्थापित किया और उसे सैल्यूट किया। आपको बता दें कि पूज्य गुरुजी द्वारा चलाया गया मानवता भलाई के 142वां कार्य, जिसमें सात संगत अपने अपने क्षेत्र में तिरंगा फहरा रही है और उसे सैल्यूट कर रही है।
पूज्य गुरुजी की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए ब्लॉक संगरिया की सास संगत ने एक जरूरतमंद परिवार को घर बना कर दिया। ब्लॉक भंगीदास कृष्ण सोनी इंसा ने बताया कि संगरिया ब्लॉक के ग्राम मोरजंड सेखान निवासी कोर सिंह इंसा को एक कमरा बनाकर देने की गुहार सास संगत से लगाई गई। सेवादारों ने कोर सिंह इंसा की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मात्र 2 दिन में एक बड़ा कमरा बनाकर कोर सिंह को सौंप दिया। इस मौके पर गांव जंडवाला सेखान की सास संगत के अलावा गांव टाबा, संगरिया शहर, नगराना, बुलावाली, लंबी टाब, नुकेरा, चक हीरा सिंह वाला, किशनपुरा, चक प्रताप नगर खोसा व अन्य गाँव के सेवादारों ने अपना सहयोग दिया। वहीं कौर सिंह इंसा ने कमरा बनाकर देने के लिए सास संगत व पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का तहे दिल से धन्यवाद किया। ब्लॉक सुनाम की सास संगत ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा दरबार में खेत में गुड़ाई की सेवा की। बता दें कि पूज्य गुरुजी के पावन दिशा निर्देशन में डेरा सच्चा सौदा के करोड़ों की सास संगत जरूरतमंदों को राशन, गरीब मरीजों का उपचार करवाना, जरूरतमंद लोगों को मकान बनाकर देना आदि संबंधी 142 मानवता भलाई के कार्य कर रही है। डेरा सच्चा सौदा के ब्लॉक बराड़ा के नाम चर्चा घर में संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पावन अवतार महीने के उपलक्ष्य में स्पेशल नाम चर्चा का आयोजन किया गया। नाम चर्चा में शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग द्वारा 3 जरूरतमंद परिवारों को 1 महीने का राशन वितरित किया गया। इस नाम चर्चा में बराड़ा, अधोया, बुढ़ियों, शिमला, तलहेड़ी, सिरसगढ़, मौजगढ़, होली, कम्बासी, कम्बास, सरदहेड़ी, धनौरी, धनौरा, दोसड़का, सीवन माजरा, सुबरी, सोहता सास संगत मौजूद रही। इस दौरान ब्लॉक भंगीदास परवीन इंसा ने बताया कि पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पावन अवतार महीने में पौधारोपण का अभियान सास संगत चला रही है। ब्लॉक के सभी गांव में हजारों की संख्या में पौधारोपण किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात मानवता भलाई के और कार्यों के साथ। यदि आपने भी कोई मानवता भलाई का कार्य किया है तो आप सच कहूँ संवाददाता के जरिए हमें उसकी डिटेल भेज सकते हैं। इसके साथ ही आप सच कहूं को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ही तो बजेगा मानवता का बिगुल। धन्यवाद।